उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर फैसला सुना दिया है। कांग्रेस के पास हार के लिए कोई बहाना नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज तक एंटी इनकम्बेंसी जनता ने सुनी थी, प्रो इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धि है। मतदान से स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में शून्य पर आउट होने वाली है और देश में कांग्रेस पार्टी विपक्ष बनने लायक भी नहीं बची। अरुण साव ने भाजपा कार्यालय एकांत परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा क्षेत्रों कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल, सुरक्षा बलों के जवान, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को साधुवाद देते हुए आभार जताया। उन्होंने कहा कि 3 लोकसभा क्षेत्रों में भारी मतदान न केवल मतदाताओं, लोकतंत्र के उत्सव के प्रति उत्साह को दर्शाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के सुशासन और मोदी की गारंटी के प्रति जनता का भरोसा इसे स्पष्ट हो गया है। कि आज बेमेतरा में अमित शाह जी की आम सभा थी, आने में थोड़ा विलंब हुआ, आपसे क्षमा चाहता हूं। आज का दिन कई मायनों में आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब तक 40 बार ऐसे फैसले हो चुके हैं, 40 बार अदालतों ने कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग, किसी तरह से गड़बड़ी की कोई प्रमाण नहीं मिला है। वीवीपैट के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपना अभिमत दिया है और कांग्रेस और विपक्षी दल अनावश्यक रूप से एक प्रोपोगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर करारा तमाचा है और कांग्रेस पार्टी ये करती है, विपक्षी दल ये करते रहे हैं, हार के बहाने ढूंढते हैं और ईवीएम और वीवीपैट पर जो उन्होंने हल्ला मचाया था, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हार मान चुके हैं, हार के आधार तलाश रहे थे और आज उनके मंसूबों पर सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेरा है। ये विपक्ष पर कराला तमाचा है। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्र, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। जो उत्साह हमने बस्तर के तीनों लोकसभा, बस्तर के प्रथम चरण में देखा, वही मंजर आज भी देखने को मिला। सवेरे से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी और भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण है और कांकेर लोकसभा तो बस्तर में जिस प्रकार से उत्साह दिखा, अनेक बूथ जहां कभी मतदान नहीं हुआ था ऐसे बूथों पर मतदान हुआ, निडर होकर, निर्भय होकर मतदाता निकलकर मतदान केंद्र में आकर अपने मतों का प्रयोग किया। माओवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। कांकेर में भी यही मंजर देखने को मिला है। नक्सलवाद के भय और डर से बाहर निकलकर कांकेर के मतदाता भाई और बहनों ने बेखौफ होकर, निडर होकर मतदान किया है। निश्चित रूप से सरकार के 4 महीने के जो प्रयास है उसका नतीजा है कि हमने नक्सलवाद पर
लगाम लगाई है और उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। कांकेर का मतदान निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। नक्सल प्रभावित होने के बावजूद हमारी सरकार के प्रयासों से लोगों में विश्वास जगा है और निकल कर आए मतदान किए। यही स्थिति राजनांदगांव लोकसभा की है। वहां पर भी लोग निडर होकर बेखौफ होकर निकले और मतदान किए। महासमुंद में भी यही मंजर। तो ये निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक मतदान आज का रहा है और पहली बार ये महसूस हुआ है अब तक एंटी इनकम्बेंसी दिखा करती थी चुनाव में, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर निकल रही है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये निश्चित रूप से ये तीन लोकसभा के जो परिणाम आज मतदान हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक है। लोगों ने एक तरह से संकल्प करके कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके पीछे कारण है जनता के बीच कि एक एक व्यक्ति पर के पास केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचे और विशेष उत्साह को दिखाया वो युवाओं और महिलाओं में तो गजब का उत्साह दिखाया। युवाओं का जो उत्साह वो देखते ही बन रहा, माताओं बहनों का उत्साह गजब देखते ही बन रहा था। उत्साहित होकर जो मतदान केंद्र आ रहे थे वो साफ झलक रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये निकल कर आए और इतनी मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद शादियों का सीजन होने के बावजूद भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम जो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने किया और उसके बाद प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने 4 महीने में जो मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वायदे पूरे किए उसका भी स्पष्ट रूप से असर जनता के बीच दिख रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि पहले चरण की बस्तर, दूसरे चरण के राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सहित 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस पार्टी 0 में आउट होने वाली है। और इस भारी मतदान के लिए जो मतदान दल, सुरक्षा के अधिकारी, कर्मचारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि उन सब के समन्वित प्रयास से इतने भारी पैमाने पर मतदान हुआ है, लोकतंत्र को ताकत और मजबूती मिली है।